हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटीज चैनल। इस चैनल पे सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा बीएमसी मशीन के फिक्चर पे ऑफसेट कैसे लेते हैं। चलिए आज आपको मैं बताऊंगा फिक्चर जो लगा रहता है मशीन पे, बीएमसी मशीन पे, रोटरी पे या बेस पे, तो उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो मेरा था कि अगर फिक्चर या रोटरी पे या बेस फिक्चर पे हमारा अगर वर्कपीस नहीं कसा, उसे मैनुअल क्लैंप किया गया है, तो उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि जो फिक्चर रहता है तो उसमें कैसे ऑफसेट लेते हैं। तो उसमें एक बूस होता है जिसे हम डायल कर लेते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं 3D में। अगर 3D पे तो ये हमारा 3D में आ गया, तो ये हमारा एक फिक्चर है और ये तीन स्टेशन का पिक्चर है, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए ये हमारा बूस है, ये वाला ये बूस है, इसको डायल करेंगे। डायल करने के बाद जो रीडिंग आएगी मशीन में, जो हमारा एक रेफरेंस होता है, एक एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल होता है, एक मशीन होता है, जो मशीन की रीडिंग आएगी उसको, चलिए मशीन में बता देते हैं कहाँ। मशीन में जाते हैं ना, तो यहाँ ऑल कर देंगे, पोजीशन में कर दिया, ऑल कर दीजिए। देखिए ये एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया और ये मशीन आ गया। तो इसमें जो हमारे रीडिंग आता है XYZ, तो बाद में टच करा के लेते हैं पार्ट पे, लेकिन XY जब ये होल डायल करेंगे, ये वाले, तो इसमें यहाँ पे रीडिंग आएगा X और Y में। तो इस रीडिंग को G54 में डाल देंगे। देखिए G54 कहाँ आएगा, ऑफसेट वर्क, यहाँ देखिए, यहाँ तो X0Y0 हो गया, ये 54 हो गया, यहाँ X और Y में डाल देंगे। तो हमारा ये होल से क्या होगा, ये जो बूस दिया है, ये बूस यहाँ मशीन 0 हो जाएगी 54 में। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये रीडिंग आया है मशीन का, उसमें इस अगर कोऑर्डिनेट को 0 करना है, इसका सेंटर 0 करना है, तो क्या करेंगे, जो इसकी मशीन की रीडिंग आई है XY का, उसमें इसको X को और ये Y को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा स्टेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 55 हो गया, 56 हो गया, तो इसको जो डायलिंग की वैल्यू आई है 54 की, उसमें एक्स इतना वाई इतना इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर एक्स इतना वाई इतना इसको ऐड कर देंगे तो ये स्टेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है 0 करने का। दूसरा होता है, मान लीजिए कि पार्ट लग रहा है इस स्टेशन पे, तो लगा रहे हैं, तो उसमें अब ड्राइंग देखना पड़ता है कि कहाँ से उसका रेफरेंस लेकर प्रोग्राम बना है, या उसके सेंटर से जब लेकर बना है, सेंटर से जब प्रोग्राम बनाए, तो उसका ID होता है वो डायल कर लीजिए या OD डायल कर लीजिए, तो वो भी हमारा 00 हो जाता है जब सेंटर से प्रोग्राम बना रहता है। नहीं तो एक किसी डबल पिन से बनाया है या टेपिंग पिन से, टेपिंग होल से बनाया है, तो उसके लिए देखना पड़ता है। तो उसके लिए तो ये मेथड हमारा सही रहता है, हमारे पिक्चर ड्राइंग में दी होती है, ठीक है। तो ये दो तरीका है हमारे पिक्चर ऑफसेट को डालने का। ये हमारा
डबल पिन है, 11 डबल पिन है। यहाँ हमारा बोल्ट लगता है, ये हमारा रोटरी बेस फिक्चर है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि जैसे हम डालते हैं ना प्रोग्राम में, एक तो ऐसे डालते हैं, इसमें डाल देंगे G54, G55, G56, तो 57, 58, 59 तक डाल सकते हैं। और जो कि हमारा एक पड़ता है इस तरह से प्रोग्राम में पड़ता है माइक्रो प्रोग्राम करके, तो माइक्रो प्रोग्राम में जो पड़ता है यानी प्रोग्राम जो ऑफसेट पड़ता है उसको कैसे मशीन रीड करती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।